रहा, और मुझे खुशी है कि उन्होंने जो बात मैंने कही वो बात उन्होंने इस पर छापी, और मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से, आपने कहा कि मुसलमान कमजोर है और कांग्रेस कमजोरों की पार्टी है, इसलिए कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। ये मेरा बयान छपा हुआ है, और आप, मैं चाहता हूँ कि आपका कैमरा इसको फोकस करे, मेरी फोटो है, ये मेरा बयान है, और मैं पूरा बयान आपके चैनल पे पढ़ के सुना देता हूँ जो उस अखबार में छपा है। ऐसा नहीं कि मैं उसमें सफाई दे रहा हूँ, जो छपा हुआ है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। नदीम जावेद ने कहा कि अगर मुल्क को सुपर पावर बनाना है, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ खड़ा होना है, तो फिर मुल्क के कमज़ोर तबकात की बात करनी होगी। हमें दलितों और मुसलमानों और पिछड़ों के मसाइल उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से कमज़ोरों की पार्टी रही है, और यही बात राहुल गांधी जी ने भी कही है, जो गलत नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस का नज़रिया है, ये गांधी नेहरू और मौलाना, ये मेरा बयान तो खुद उस अखबार ने छापा। इसलिए बीजेपी के प्रवक्ता ने, संबित पात्रा ने ट्वीट किया अखबार की, मेरा जो बयान है वो किसी ने पढ़ा नहीं, उस ट्वीट के आधार पर खबर बना दी गई, और तमाम टीवी चैनल देखिए चला गया। प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम जो नेता है बीजेपी के, आज प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि कांग्रेस तो जो इंडिया की पॉलिटिक्स करती है, अल्पसंख्यकों को और समाज के वो तबके जो तरक्की की रफ्तार में पिछड़ गए हैं, आपको उनको समायोजित करना पड़ेगा, उनको साथ लेकर चलना इंक्लूसिव बात करनी पड़ेगी। मौलाना आजाद ने कहा था कि कोई फरिश्ता आसमान की बुलंदी से उतर के कहे कि हिंदू मुसलमान अलग हो जाए और ये मुल्क आज़ाद हो जाए, मैं ऐसी आज़ादी को ठोकर मार दूँ। तो हम तो इस नज़रिए के साथ हैं, हमने तो जिन्ना की कोई शक्ति के खिलाफ मौलाना आजाद खड़े हुए गांधी नेहरू के साथ, और कांग्रेस उस विचार के साथ खड़े की कोशिश करेंगे। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि हमने बहुत जिम्मेदारी के साथ राहुल गांधी जी के साथ जो कांग्रेस के मुस्लिम बुद्धिजीवियों का विचार विमर्श हुआ था, उसका जो निष्कर्ष निकला था, उसमें सलमान खुर्शीद जी ने उसको आपके सामने ब्रीफ किया। मूल बात यह है कि कांग्रेस के टॉप लीडरशिप ने बहुत अस्पष्ट शब्दों में कहा, और मैंने उसी बात को इस अखबार को इंटरव्यू देते हुए भी कहा, और मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल के माध्यम से ये बात पहुँचे और आपके कैमरामैन इसको फोकस कर देंगे। मेरा बयान छपा है, और बयान में बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस कमज़ोरों की पार्टी है, और इस देश को अगर तरक्की करनी है तो पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को साथ लेना पड़ेगा, उनके सवालों को हल करना पड़ेगा। कमज़ोर की पार्टी है, और हम मजबूती के साथ कमज़ोर लोगों की आवाज़ को बढ़ाएंगे, यही राहुल गांधी जी ने कहा, यही मूल बात। लेकिन मैंने यही बात कही, लेकिन जिस रिपोर्टर ने आपका इंटरव्यू किया उनका तो साफ साफ कहना है कि जो हमने खबर चलाई थी, राहुल गांधी ने कहा था कि मुसलमानों की पार्टी, उसको आपने मोहर लगाई है, उसने लिखा है ये बात। देखिए, मैंने अपना बयान पढ़ के सुना दिया जो मेरे हवाले से छपा हुआ है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, मैं आपसे कोई बात कहता हूँ, आपको तय करना है कि मैंने क्या कहा, ये आपकी समझदारी पर निर्भर करता है, उसको आप मेरी बात को किस एंगल से लेते हैं। मैं ऑन कैमरा कोई बात कह रहा हूँ, आप जैसे चाहें। मैंने किसी साथी से, किसी मीडिया के मित्र से अगर बातचीत की, उनका ही अधिकार है, उन्होंने क्या समझा, लेकिन मैंने जो बात कही थी वो भी बात उन्होंने छापी है, मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद देती हूँ। बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगा रही है, बीजेपी कह रही है कि आप पहले से करते आए हैं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने कहा था कि उसमें पहला आज मुसलमानों का है, तमाम बातें आप करते हैं, इससे साबित हो जाता है कि मुसलमानों की ही पार्टी है। देखिए, मुस्लिम तुष्टिकरण की बार बार बात होती है, और सच्चर कमेटी की और कुंडू कमेटी की ये रिकमेंडेशंस है कि मुसलमान इस देश के अंदर दूसरा दलित हो गया, तो अगर मुसलमानों का इतना अपीसमेंट हुआ तो वो दलित कैसे हो गया, इतना कमज़ोर कैसे हो गया, ज़िंदगी की रफ्तार में पिछड़ कैसे गया। इसलिए ये आरोप लगाना, ये बीजेपी का जो पूरा नैरेटिव है, पूरा विमर्श है कि हिंदू और मुसलमान का दौर 2019 के चुनाव में जीत जाएंगे, बीजेपी की भारी भूल है, क्योंकि देश की जनता इस बार मूल सवालों पर लड़ाई लड़ना चाहती है, मूल सवालों पर जवाब चाहती है। इसलिए बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के मंत्री और प्रधानमंत्री भी मूल सवालों से भाग रहे हैं।